ट्रांसपोन वो छक्के। उसका फादर खुद रेड कर रहा है कि मैं तुझे औरत होना सिखाऊंगा। मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं जिंदा रहूं और कोशिश भी करी है मैंने। आना तो शाम के अंधेरे में आना, 7-8 बजे आना, और अंदर नहीं आना। तुम्हें जो देना है वो दे के चले जाना। क्लाइंट को खुश करने के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा के लिए आप बिना कॉन्डम भी करोगे। अब आदमी भूखा मरे या HIV से मरे, उन पर थूक देते हैं, उनको बोलते हैं हमारे साथ चलेगी। लॉट ऑफ पीपल किल देमसेल्फ बिकॉज दे नो दे डोंट हैव एनीबडी हु विल टेक केयर ऑफ देम। मेरा नाम कृष्णा सिंह है और मैं एक ट्रांसमैन हूँ। मेरा नाम रुद्रानी है। मैं अपने आप को ट्रांसजेंडर वुमेन आइडेंटिफाई करती हूँ और अभी अपनी बहनों के साथ मित्र ट्रस्ट चलाती हूँ। अगर हम किसी को बोले, किसी अदर पर्सन को जिसको नहीं पता कि हम ट्रांस हैं, ट्रांस कौन वो छक्के। ट्रांस का मतलब होता है जो अपनी बॉडी में खुश नहीं है। ट्रांसमैन जब पैदा होते हैं तो एक लड़की की बॉडी में पैदा होते हैं, बट उनकी फीलिंग, उनकी सोच, उनकी आत्मा जो होती है एक लड़के की तरह होती है। ट्रांस वुमेन जो होती है वो एक लड़के के उसमें पैदा होती है बॉडी में, बट उनकी फीलिंग एक लड़कियों की तरह होती है। जब मुझे समझ आया कि मैं एक गलत शरीर में हूँ, मैं एक लड़का नहीं लड़की हूँ, और हालांकि मुझे हर स्तर पे ये बोला जा रहा था कि तुम लड़के हो, लड़के की तरह रहो, तो जो मेरे टांगों के बीच में वो कभी डिसाइड नहीं कर सकता। बट ऑफकोर्स एज अ इंडिविजुअल अगर मेरे को वो एक शरीर का हिस्सा तकलीफ देता है जिसको मैं कभी अपना नहीं मानती, तो उसमें तब्दीलियां करानी हर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। जितने भी हमारे सदस्य हैं जो ट्रांसमैन हो ट्रांसवुमेन हो, उन दोनों के लिए सर्जरी बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना सर्जरी के हम खुद को उस तरीके से देख ही नहीं पाते। खुद को क्या, हमारा समाज भी हमें उस तरीके से नहीं देखता। मैं कहता हूँ अगर मेरी सर्जरी होने के बाद अगर मैं 2 दिन भी जिंदा रहूँ तो मेरे लिए वो 2 दिन भी बहुत होगा। वो 2 दिन मेरी पूरी ज़िंदगी होगी। अगर उसके बाद मुझे कुछ हो भी जाता है, मुझे कोई गम नहीं है। मुझे पता है कि मैं उस शरीर में मरूँगा जिस शरीर में मैं चाहता था, जो मैं सोचता था खुद को, जो मैं मानता था। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उनकी दिक्कतें, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो या बाकी चीज़ों के लिए, काफ़ी चैलेंजिंग है। मैं रिकॉल कर सकती हूँ 2005 के करीबन जब हमने नया नया काम शुरू किया और एक ट्रांस व्यक्ति को हमने एक पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में भेजा, और वहाँ वो एक जून जुलाई का महीना था, बहुत गर्मी थी, तो उन्होंने जाते ही उनके वहाँ से एक ग्लास में से पानी पी लिया, और उसके बाद जो वहाँ तमाशा शुरू हुआ कि तुम जैसे लोग अंदर कैसे आ गए, तुमने मेरा ग्लास कैसे छू दिया। एज अ डॉक्टर आप अपने पेशेंट को ऐसा नहीं कर सकते, और आपने अपना डिस्क्रिमिनेशन, हेटरेड टुवर्ड दिस पर्सन, और इसीलिए एक लेवल और 2 लेवल हाई कर दिया बिकॉज दिस पर्सन इज ट्रांसजेंडर पर्सन। कि डॉक्टर्स जो पढ़ के आते हैं, सीख के आते हैं, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में या इनके जो ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते, कभी बताया नहीं गया, कभी सिखाया नहीं गया। आपको जर्नल भी नहीं बताया गया कि नॉट ओनली यू नो, नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ मेडिकल साइंस की आपको क्या करना है, बट इट जर्नल यू हैव नॉट टोल्ड अदर यू नो दीज पीपल हु आर वेरी इंपॉर्टेंट हु विल बी सर्विंग डिफरेंट कम्युनिटीज पब्लिक अबाउट डिफरेंट कम्युनिटीज। और डॉक्टर्स को तो जिस देश में भगवान मानते हैं, भगवान को तो मुझे नहीं लगता किसी भी दूसरे इंसान को, इंस्पाइट ऑफ उसका क्या कुछ भी रंग हो, उसका कोई भी जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, वेशभूषा हो, इसके बेस पे आपको उसको वो हेल्थ का वो नहीं देना चाहिए। जब मैं हारमोन्स पे नहीं था तब मुझे पीरियड्स आते थे, और जब वो पीरियड्स आते थे वो तीन दिन ऐसा गुजरता था जैसे कि मेरे लाइफ से ये 3 दिन कब गुजरेंगे, मतलब कब ये जाएंगे। घुटन होती थी खुद से ही, ना बाहर जाने का मन करता था, ना किसी से बोलने का मन करता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। दुनिया, समाज, दोस्त बहुत कहते हैं तुम ये गलत कर रहे हो, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम सर्जरी कराओगे, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी मैं कौन सा खुश हूँ, मैं 10 तरीके की प्रॉब्लम झेलता हूँ। जॉब पे जाता हूँ तो मेरे को डर रहता है कि कोई हाथ ना लगा दे, कोई टच ना कर ले, 24 घंटे दिमाग में यही चीज़ें रहती हैं। बट सर्जरी होने के बाद मैं खुद में कंफर्टेबल रहूँगा।
इवन टुडे इफ एनीबडी इन इन दिस कैपिटल यू नो वांट टू गो फॉर अ सर्जरी फॉर ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन का तो इट विल गो अराउंड यू नो 2-3 lakhs इवन मोर फॉर अ ट्रांस मैन यू नो टॉप सर्जरी में गो अराउंड लाइक 1.5 lakhs और ऑल ऑफ दीज पीपल वी वर्क विद कम फ्रॉम अ लोअर सोशो इकोनॉमिक यू नो डेमोग्राफ इनके पास तो बेसिक सर्वाइवल नहीं है और एक चीज़ जो इनको सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली है वो भी नहीं कर सकते ये इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सुइसाइड किए हैं बहुत सारे लोगों ने गरल सर्जरी करी है बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे बर्बाद कर दिए किसी पे भरोसा करके क्योंकि उनको सही डायरेक्शन नहीं है कभी कभी मन करता था कि यार सुसाइड कर लूँ क्यों होता है ये मेरे साथ मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं जिंदा रहूँ ऐसा फील होता था मुझे और कोशिश भी करी है मैंने अगर आप एक जगह पे ट्रांस कम्युनिटी को ऐसे डेमी गॉड देखते हो उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो एंड ऑल दैट तो दूसरे समय पे हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए आई थिंक हेल्थ के मामले में एजुकेशन के मामले में फूड के मामले में कम से कम इतना तो ना छीने ट्रांस मैस्कुलाइन व्यक्ति को जब वो बड़ा होता है तो हार्श रियलिटी इससे बड़ा क्या हो सकता है कि उसका फादर उसको खुद रेप कर रहा है कि मैं तुझे औरत होना सिखाऊंगा कजिन भाई रेप कर रहे हैं and they don't want to talk about it cuz it's such a big shame for them agar hamare ghar wale hame samajh jaye to hame ek duniya mein kisi cheez ki zarurat nahi hai kyunki mere ko pata hai mere ghar wale mere saath hai agar mere ghar wale ye bole ki mera bachcha chahe jaisa bhi hai main ise accept kar raha hu ya kar rahi hu to mujhe nahi lagta kisi aur ki hame zarurat hogi there are trans women who sell their body and they like to meet their parents but unke ghar se phone aata hai ki aana to sham ke andhere mein aana 7-8 baje aana और अंदर नहीं आना तुम्हें जो देना है वो दे के चले जाना तो वो हाथ की मुट्ठी में पैसा ले जाते हैं अपनी गली के कोने में उनको देते हैं वहाँ से आ जाते हैं दूसरी बात जो HIV की सिचुएशन है आई थिंक हम सभी को बेसिक कारण मालूम है एक कम्युनिटी को आपने कुछ करने के लिए नहीं छोड़ा भीख भी आप नहीं दे सकते और टोली बधाई तो बहुत लिमिटेड होती है आपको कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ आपको इतना जोखिम में डालती हैं दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिजेक्टेड नो एजुकेशन नो जॉब अभी भी नहीं मांग सकते शर्म के मारे क्या करोगे सेक्स वर्क ही करोगे सेक्स वर्क करोगे तो आपके साथ रेप भी हो रहा है क्लाइंट को खुश करने के लिए 500 रुपये एक्स्ट्रा के लिए आप बिना कॉन्डम भी करोगे आप 10 लोग खड़े हो और एक क्लाइंट आए जो बोले कि मैं तो तभी पैसे दूंगा जब कोई विदाउट कॉन्डम करे अब आदमी भूखा मरे या HIV से मरे हमारे कम्युनिटी में से बहुत सारे लोग जिसको हाइफन बोलते हैं ड्रग्स करते हैं एंड इट्स नॉट बिकॉज दे वांट टू यू नो लिव दिस हैप्पी लाइफ इट्स नॉट जस्ट बिकॉज दे आर पार्टिंग इट्स बिकॉज दे डोंट वांट टू रिमेंबर ऑल शिटी थिंग्स व्हिच हैपेंड टू देम जब हमारी शुरुआत में हम हार्मोन्स लेते हैं तो उस समय हमारी बॉडी चेंज करती है जैसे कि मेरी आवाज़ पहले बहुत पतली थी अब ज़्यादा नहीं हल्की फुल्की है पहले मेरे जो शरीर मेरे फेस पे बिल्कुल भी बाल नहीं थे अब रुए आ रहे हैं हल्के फुलके तो यही सब चेंजेस होते हैं पीरियड्स होते हैं पीरियड्स हमारे बंद हो जाते हैं हार्मोन्स लेने के बाद हमें पीरियड्स नहीं आते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है सबसे ज़्यादा जो हमें तकलीफ़ देती थी वो चीज़ हमें ये ख़त्म करती है हार्मोन्स आप ऐसी दवाइयाँ खाते हो जिससे आपको लगता है आपका जेंडर अफर्मेशन हो पर आपको बहुत सारे अलग चैलेंजेस हो जाते हैं आपका लिवर ख़राब हो रहा है आपका बोन डेंसिटी ख़राब हो रहा है आप जल्दी एज करोगे आप जिस उम्र में आपको और थोड़ा स्ट्रांग होना है अपने आप को देखने के लिए आप अपने आप को देख नहीं पाओगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वी डोंट हैव अ सिस्टम वेयर पीपल कैन टेक केयर ऑफ अस वी ऑल नो हाउ मेनी ट्रांसजेंडर के पास इतना पैसा है कि वो कोई एक डिसेंट इंश्योरेंस ले सके अब आप बेसिक के लिए मर रहे हो कि आपको ये नहीं पता शाम को खाना होगा तो इंश्योरेंस इज अ लग्जरी फॉर लॉट ऑफ पीपल हम कहीं और तो जाके बसेंगे नहीं सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार सिर्फ एक ट्रांस के लिए पूरी वो एक शहर बना देगी ऐसा भी नहीं है रहना हमें यही है तो आप लोगों को समझना पड़ेगा हमें लॉट ऑफ टाइम यू हेट योरसेल्फ फॉर बीइंग हु यू आर maybe for your shape your color you know whatever xyz reason and being you know for a trans feminine person in their male avatar you know having this feeling of you know womanhood sometimes they don't accept this and they try to you know usko ekdam dabane ki which is a different
टोटली डिफरेंट थिंग. एक तो मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत समय से किसी ने बात ही नहीं करी हमारे देश में. मे इट बी सिस, मे इट बी हेट्रो, मे इट बी बाई, एनी वन. सबसे पहले तो खुद से लड़ना सीखो. काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर वालों से, समाज से डरते हैं, चाहकर भी नहीं बाहर आ पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं. मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बाहर आओ, आप लोग निकलो, बताओ. वो समझते हैं तो ठीक है, वरना आप खुद को समझो. एक्सेप्टेंस सबसे फर्स्ट स्टेज है अपने आप का. जहाँ पे वो क्लियर है, आपके बाकी सारी चीज़ें बहुत सॉर्टेड है. ये हम सबको सीखना चाहिए कि आप ही इम्पोर्टेंट हो. Somebody who can, you know, love themselves, take care of themselves, they're gonna take care of anybody in this world. बहुत सालों में कम्युनिटी ने अपने आप को बहुत वेल अवेयर किया है. वो प्रॉपर कॉन्डम यूज़ करती हैं. हमारा स्टैटिक क्लिनिक है, जाके वहाँ पे वो रेगुलर मेडिकल चेकअप करते हैं, HIV का स्क्रीनिंग करते हैं, और कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट सेटअप पे जाते हैं. तो समय बदल गया है. और ये वैसे भी ये प्राइड मंथ है, तो आई थिंक हमको थोड़ा और प्राइड लेना चाहिए एज अ कम्युनिटी. एंड ऑल्सो यू नो LI जो कम्युनिटी के हैं, बहुत सारे जो फ्रेंड्स एंड सपोर्ट हैं, उनको भी ये मौका नहीं गंवाना चाहिए. दे शुड एजुकेट द यू नो कम्युनिटीज़ हु डोंट हैव राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट कम्युनिटी.